मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, आपने देखा था सिख कहते थे खालसा राष्ट्र की बात, हाँ। तो लोगों ने कहा आतंकवादी देश, हाँ। कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करेगा, हाँ। तो उसे कहेंगे आतंकवादी देश द्रोही, हाँ। तो हिंदू राष्ट्र की ये मांग कर रहा है, हाँ। तो ये आतंकवादी देश द्रोही है, इस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा। तो बाघ से मंत्र मार देता वैसे उड़ के आ जाता, भूतनी के तू तो चमत्कार है, राम आता है हनुमान आता है, वो कहाँ कहते हनुमान जी को बुला लेता, एक कंधे बैठा के छोड़ जाते हैं, भूतनी के हवाई जहाज में क्या जरूरत थी जाने की, चमत्कार पापी थी, माता है बहन है प्रॉपर्टी नहीं है, माता है बहन है हमारा मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत होती है, जिसके लिए भारतवासी गर्दन खड़ा देते भूतनी के अकल सीख ले, गोलखा खा के मीठा हो गया, अभी सामने क्यों खाता था ये मीठा हो गया, अच्छा खुजली पड़ती है अब क्या होता है बिजली हो जाती है, हाँ तो वो इसका भूत तो मैं उतारूंगा ना, क्रांतिकारी का मिला नहीं है तुझे, ये जब मर्जी करते जहाँ मर्जी आ जाए भूतनी के आ जा, हाँ इसका स्मरण कर बागा बावेश्वर स्मरण कर गया प्रकट हो, मैं भूतनी के हो नहीं रहा, आजा आजा तेरा बजा दूंगा बाजा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाला हूं, किस तरीके से एक फौजी भाई ने बागेश्वर बाबा को कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ सालों में बागेश्वर बाबा ने मसीह लोगों के प्रति ऐसी ऐसी बातें कही हैं, ऐसा विरोध प्रकट किया मसीह लोगों के बारे में, हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति मसीह लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, बहुत सी बातें यहाँ पर की है, लेकिन मैंने सोचा था कि एक दिन जो झूठ होता है ना उसका अंत जरूर आ जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो मेरा विरोध लेकर किसी को नहीं है और मैं किसी को गलत या सही ठहराना नहीं चाहता, मैं इसलिए ये वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मनुष्य जो बोता है वहीं उसे काटना भी पड़ता है, लेकिन जो कोई मनुष्य परमेश्वर के विरोध में बो रहा है वो परमेश्वर उसे आने वाले समय में ज़रूर दिखा देता है कि मैं एक जीवता परमेश्वर हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, पहले आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कहना चाहता हूँ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले दिनों में और भी आप प्रभु का वचन इस चैनल के द्वारा सीख सकें और जान सकें। तो इस वीडियो को शुरू करता हूँ, आप पहले वीडियो को देख लीजिए। हिंदुस्तान में आ गया या हिंदू राष्ट्र मांग रहा ना, कह रहे हैं लंदन में सारे सनातनी हैं हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मैडम मैं कह तो रहा हूँ हिंदुस्तान में आया हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, कोहिनूर की जरूरत क्या थी, वो समित पात्रा जो वो तो कहता है यार गोबर हमारे लिए कोहिनूर है, कोहिनूर है यहाँ, तो कोहिनूर रखते हैं जानवर गाय भैंस ये सब कोहिनूर रखते हैं, कौन सा कोहिनूर, कह रहे हैं लंदन के जो बासी हैं उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया मेरा, तो चमत्कार से गया होगा, कैसे गया था फ्लाइट से गए थे वो तो नहीं गए, चमत्कार से नहीं गया साले विज्ञान से गया है, ये विज्ञान की उन्नति ने पैदा किया फ्लाइट हवाई जहाज, तेरे चमत्कार ने कुछ पैदा हुआ, जिस गाड़ी से भी आएगा ना कार में वो भी विज्ञान की देन, जिस एसी में बैठेगा, हाँ हाँ तो पाखंड से मंत्र मार देता वैसे उड़ के आ जाता भूतनी के तू तो चमत्कार ही है, राम आता है हनुमान आता है वो कहाँ कहते हनुमान जी को बुला लेता, एक कंधे बैठा के छोड़ जाते हैं भूतनी के हवाई जहाज में क्या जरूरत थी जाने की, चमत्कारी ढोंगी पाखंडी पाखंडी नहीं है चमत्कारी बाबा है, चमत्कार भूत निकाल दूंगा भूत, समझा भूत के भूत, माताओं बहनों के बारे में सब क्या कहता तू, क्या कहता पता है, क्या कहता माताओं बहनों को, जब उन्होंने ये बात कही तो तालियां भी तो बज रही थी ना लाखों की भीड़ में, क्या क्या बज रही थी, क्या बज रही थी बताओ, जो मांग में सिंदूर लगाया होती है और वो रजिस्ट्री प्लॉट होती है, आप खाली प्लॉट है मेरे ऊपर पर्सनल आ जाए तो मैं जाना पड़ता है, आप सवाल पूछने तो पूछूंगा नहीं, आप मुझे पर्सनल आपको क्या लगता है अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे आपको भीड़ में जो महिलाएं थी वो तालियां पीट रही थी, तालियां पीट रही थी क्या पीट रही, तो अंधविश्वास में लीन है, समझे नहीं, अंधविश्वास नहीं आस्था, आस्था कुछ नहीं है, आस्था में इज्जत उठ जाती है, समझे नहीं, पूरा काम हो जाता है, डाल देते हैं काम, बड़े नेताओं के चरणों में है और आप वो फेंक तो रहते उसके समागम में फेंक रहे थे ना महिलाओं को सर फूट गए, ये आस्था है, हाँ मुझे बताओ माताओं बहनों क्या कहता प्लॉट खाली प्लॉट, जो सारी लड़की ने खाली प्लॉट और जिसके माथे पे बिंदी है सिंदूर है वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट हो गया, वो भूतनी को, ओ भूतनी के बाबा, ओ पाखंडी बैरूपिये, ओ सपेरे आसुल्ले, माता है बहन है प्लॉट नहीं होती भूतनी के, माता है बहन है प्लॉट नहीं होती प्रॉपर्टी नहीं होती, तेरे घर में बता, तेरे घर में बता भूतनी के कितने प्लॉट है, प्रॉपर्टी खरीदी बेची जाती है, प्लॉट खरीदा बेचा जाता भूतनी के, तेरे घर में कितनी माता है बहन है दल्ले, तूने कितनी बेची, कितने प्लॉट बेचे, कहाँ बेची है, माता है बहन है प्रॉपर्टी नहीं होती, खरीदने बेचने की चीज नहीं होती, ढंग से बोल ले प्रवचन देना साथ, माता है बहन है प्रॉपर्टी नहीं है, माता है बहन है प्रॉपर्टी नहीं है, माता है बहन है हमारा मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत होती है, जिसके लिए भारतवासी गर्दन करा देते भूतनी के, अकल सीख ले, माताओं बहनों को सीधा बोलेगा ना तो समझा देंगे तेरा टोपा टोपा समझा, सीधा कर देंगे चैलेंज, इसे क्या चैलेंज, गोलखा खा के मीठा हो गया, अभी क्यों खाता था जो मीठा हो गया, अच्छा खुजली पड़ती है,
अब क्या होता है बिजली हो जाती है क्रांतिकारी इसका भूत तो मैं उतारूंगा ना क्रांतिकारी का मिलानी है तुझे जब मर्जी कर दे जहाँ मर्जी आ जाए हम नहीं डरते ऐसे इसको अर्जी ये तो फर्जी है पर्ची क्या है पर्ची खोल देंगे लंदन में अंग्रेजी पर्ची खोल देते हैं पर्ची क्या है कुछ नहीं है अच्छी पर्ची समझे नहीं सब ये पाखंड बाद है महिमा मंडित है हनुमान राम इसकी रक्षा करते हैं वाईफाई से कनेक्ट कर दादा उनके पास कौन सा वाईफाई से कनेक्ट हां तो भूतनी के वाईफाई तेरे बाप ने बनाया चमत्कार से लाया है विज्ञान ने पैदा किया हां किया विज्ञान की देन है बात मुझे खोल देंगे आपकी अगला पिछला सब बता देंगे कि क्या किया है पहले क्या नहीं किया हां हां अभी सोच ले मैंने अपने दिमाग में सोच लिया अब बता वो क्या किया बता देंगे सब अब बता दे क्या किया दरबार में जाए अबे वो खुजली यहीं से बता दे मीठे बहुत गुल खाता है समझे ये ठटरी करता है ना गठरी बांध देंगे तेरी हम क्रांतिकारी है नया नया बोला है क्या है वो बच्चे पैदा करो पहले कहता था हिंदू 10-10 बच्चे पैदा करो है अभी कहा था ना इसने कहा था कहा था उन्होंने कहा था राम के नाम के करे और देश के लिए करे राम के लिए तेरी अम्मा ने कितने करे अभी गुस्सा आती है दांत भी ठटरी अबे क्या है वो मीठे कीड़ा कुचल जाता है क्या अरे चमत्कार दिखाते हैं ऐसे चमत्कार अबे भूतनी के ये बता मणिपुर में ये हुआ था यहाँ पे तूने क्या करा चुप थे ना इस मामले में अपनी अर्जी नहीं लगाई अर्जी लगाएंगे तो बता देंगे खुजली मिटवाने क्या होगा भाई इसलिए चुप था आनंद ही आनंद कहा गया था लंदन लंदन गया था आनंद लेने गया था हाँ लेने गया था वहाँ लंडू राष्ट्र की मांग करने हिंदू राष्ट्र कहाँ से है भारत में हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा ये बताओ ना कहाँ हिंदू भारत में मुझे बताओ सनातनी तो है ना कौन सनातनी तो ये सनातनी राष्ट्र बनाएगा हाँ मुझे बताओ कहाँ सनातनी सनातनियों को आगे बढ़ा रहे मैं सनातनी हूँ आप सनातनी मैं काय को सनातनी हूँ आगे बढ़ा रहे मैं नहीं सनातनी मैं भारतीय हूँ मैं भारतीय हूँ भारतीय हूँ भारतीय हूँ मैडम सनातनी नहीं हूँ तो क्या कहना चाहेंगे आप भक्तों के लिए जो लगातार बाबा बागेश्वर के दरबार में आते कतारों में खड़े होते भक्त अंधभक्त है समझे ये दुकान चला रहे हैं पाखंडी ये खुद जो कहते हैं हनुमान आ जाता है भगवान आ जाता है भगवान की इनके सुरक्षा की गारंटी आप गए बाबा बागेश्वर के दरबार देखो जाऊंगा भूतनी वाले क्या और तू क्यों मुझे भेज रही हो चुतिया के पास आस्था रखती हो शिष्या हो शिष्या हो ज्यादा शिष्या लग रही प्रेम हो गया मैं नहीं मैं कह रही हूं लाखों की जो भीड़ लगती है ठेस पहुंचा रहे ये ठटरी की मोहब्बत कहीं ना कहीं असर डाली हुई है आपके ऊपर मैडम आप लाखों लोगों की ठटरी मसाले गठरी बांध के फेंक दूंगा नाले में लोगों की जो भीड़ लगती है उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं आप ऐसे कहीं ठेस वेस नहीं है अंधभक्त है भक्त आपको छोड़ेंगे नहीं हां भक्त तो कुछ नहीं करेंगे अरे वो इसको राम सुरक्षा नहीं देता हनुमान नहीं देता दिख नहीं रहा सुरक्षा सरकार से ले रखी है इसने अरे खड़ाऊ पहनते हैं किसी बात हां खड़ाऊ पहनते तो अपनी खोपड़ी बंधवा खोपड़ी मार के देख टन 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 आवाज आएगी भूतनी के काय को नौटंकी करता है टोपा सा हाँ चमत्कारी काय का मैं भी तो हूँ क्रांतिकारी हूँ मैं क्रांतिकारी हूँ ध्यान रखियो मैं अंधविश्वास पाखंड आडंबरों से दूर हूँ तेरा चमत्कार अमत्कार सब घुसेड़ दूंगा पिछवाड़े में देश के लोगों को बोला ये भाई साहब इसे एक बाल तोड़ के दे दूंगा सीधा निकल पाएगा जिंदगी भर साले क्रांतिकारी का बाल बात कर रहे हैं आप तावी डाल लियो भले में तीन टाइम भगाते हैं हां वो भूत होते भगाएगा हां भगाते हैं तुम्हारा तुम्हारा भगाया था आपने देखा नहीं दरबार में जो लोग भूत मुझे क्या मालूम ऐसे क्या देखना बहुत सारी फिल्में आती है उसमें दुनिया भर की चीजें मैं कौन था मुझे क्या जरूरत है उसको देखने की अरे ढोंगियों को कौन देखता है प्यार करती है प्यार करती है तो करती रहे इज्जत उठवाती रहे मुझे क्या लेना हिंदू राष्ट्र बना रहे आपको क्या दिक्कत है हिंदू काय के लिए भाई भारत अच्छा नहीं लगता हिंदू का मतलब होता है गुलाम हिजड़ा नपुंसक बेवकूफ लोग हिंदू किसको गाली थी ये विदेशियों ने गाली थी हिंदू फारसी शब्द है हिंदू समझे हिंदू हिंदी हिंदुस्तान ये सब फारसी शब्द है ये भारत की जो हम बोल रहे हैं ना भाषा ये भारतीय भाषा है इस भारतीय भाषा का नाम हिंदी रख दिया इन्होंने हाँ सनातनियों को आगे बढ़ा रहे हैं सनातन को आगे पहले बता यार एक बात बता बेटा जो भी है सनातन अलग है वैदिक अलग है आर्य विरत अलग है फिर हिंदू है भूतनी वालों कितने बाप बनाओगे मुझे तो खुशी है सनातनियों को आगे बढ़ा रहे हैं आपको क्या दिक्कत है अभी तो चार चार बाप वालों को सीमा भाभी दिखा रहे हो तू अम्मा हो बागेश्वर लगातार मीडिया में सुबह से रात तक बाबा बागेश्वर दिखाए जा रहे हैं आपको इतना गला बुरा कह रहे हैं मीडिया में तो दिखा रहे हैं वैसे तो नहीं दिख रहा वो दिख तो रहे दिल्ली आए थे भाई सब सरकार संचालित है ये पाखंडी इसका एक मिनट में भूत उतार दूंगा सरकार के किसी महत्वपूर्ण पद पर मुझे बैठा दो पाखंडियों की सरकार है जब तो हो रहा है तो कहा तो है बाबा बागेश्वर ने अरे ढोंगी जेल डालो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो बाबा बागेश्वर ने कहा तो है कि धर्म से राजनीति चलती है याद रखें आप उतने के धर्म से कुछ नहीं चलता तुम्हारे पाखंडियों की दुकान चलती है धर्म से आराम खाऊंगा हो तुम मैं ना तुमसे होती नहीं आवला तुमसे चलता नहीं समझे नहीं रोड पे मिट्टी तोड़ नहीं सकते हो कुछ काम नहीं कर सकते गाल बजाते हो आराम भी खाते हो देख मंदी हो तो आप नहीं मानते कि धर्म से राजनीति कोई धर्म से राजनीति नहीं चला रहे ना भूखमंद अब देख रहा देश कैसा हो रहा है ये धर्म के नाम पे लूट लिया बागेश्वर ने कहा राजनीति से धर्म नहीं चलता धर्म से राजनीति चलती है मैं वो भूतनी के बार बार कह रहा हूँ मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है बनाने की आपने देखा था सिख कहते थे खालसा राष्ट्र की बात तो लोगों ने कहा आतंकवादी देख लिया
कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करेगा तो उसे कहेंगे आतंकवादी देशद्रोही। तो हिंदू राष्ट्र की ये मांग कर रहा है तो ये आतंकवादी देशद्रोही है, इस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इसको खुला के छोड़ रखा है। इसका मतलब सरकार है, सरकार है तो आतंकवादी कोर्ट से किसको, मतलब आप चाहते हैं बाबा वादी से केस हो जाए? हां, केस ये जेल में होना चाहिए। जेल भेजेंगे वादी सर बाबा कहां से भाई, मैं कह रहा हूं सरकार इनकी हुकूमत इनकी वही बाबा वादी सर को जेल भिजवा देंगे। अरे मैं कहां से भिजवा दूंगा, जब कमीनों की सरकार है, दलों की सरकार है, पाखंडियों की सरकार है, डोंगियों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो यहां तक देखा है तो आप आगे भी जरूर देखकर जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। बहुत से लोग हैं जो पिछले दिनों में मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया आप ऐसी वीडियो मत बनाया करो, मसीह लोग बोल रहे हैं जिससे मतलब तुम विरोध फैला रहे हो, तुम ये कर रहे हो। मुझे हैरानी होती है जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे दुख भी आता है कि हम किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम कबूतर के समान भोले बनो लेकिन तुम सांप के समान चालाक और चतुर भी बनो। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ जब तक आप जानेंगे ही नहीं कि चीज़ के बारे में, आप कैसे सतर्क हो सकते हैं, कैसे सावधान हो सकते हैं, कैसे सावधान हो सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को सतर्क कर सकूं, आप लोगों को सावधान कर सकूं, ताकि आप चतुर और सावधानी के साथ चल सकें। भोला हमें रहना है। इस वीडियो को बनाकर हम किसी के प्रति हेट नहीं फैला रहे हैं, परंतु जो लोग ये वीडियो देखते हैं वो जान लेते हैं कि हमें कैसे सावधान होना है, कैसे सतर्क होना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आप ही हमें कहा है कि तुम सांप के समान चतुर बनो, चालाक बनो, चालाक हमें बनना है। लेकिन इस वीडियो में ऐसा नहीं सिखाया जा रहा कि आप किसी से हेट करो, किसी को गलत कहो, ये नहीं कहा जा रहा है। जो लोग बोलते हैं हमें उसे जानना है ताकि मसीह लोग जान पाएं और सतर्क रह पाएं। जो मणिपुर में पिछले दिनों में हो रहा था, बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बहुत सा मसीह बताते हैं लेकिन वो लोग भी उस समय पीछे हट गए, उन लोगों के लिए हाथ नहीं बढ़ा पा रहे, उस लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे। लेकिन जब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं तो ये चीज़ें पता है, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि ताकि मसीह लोग सचेत हो सकें, सावधान हो सकें, जाग सकें, जागरूक हो सकें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि जागते रहो, सोते मत रहो, क्योंकि हमारा विरोधी गर्जने वाले सिंह के समान है, कब किसको फाड़ खाए, प्रभु ने हमें ये कहा है। तो हमारा विरोधी शैतान है, अगर हम सावधान रहेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि देश में क्या चल रहा है तो हम कैसे सावधान हो पाएंगे। तो हमें पता होना ज़रूरी है कि आज मसीह लोगों को लेकर लोगों की क्या भावनाएं हैं, किस तरीके से वो देखते हैं, किस तरीके का लोगों के माइंड में मसीह लोगों को लेकर बातें चल रही हैं, तो हमें सावधान होना ज़रूरी है। तो मेरा मोटिव यही है इन वीडियोज को बनाने का, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आप मेरी जितनी भी वीडियोज देखेंगे मैं उन वीडियो में सिर्फ यही कहता हूँ कि आप इन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें ताकि परमेश्वर इन लोगों के मन को बदले। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको सेम वर्ड कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए आप प्रार्थनाएं करें ताकि परमेश्वर इनके मन को बदले, क्योंकि बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि जो साउल था वो परमेश्वर का इतना विरोधी था, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को वो डिस्ट्रॉय करता था, वो मारता पीटता था, उन संगति नहीं करने देता था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब साउल के साथ एनकाउंटर किया तो वही साउल बाइबल में हमें पौलुस के रूप में तब्दील हुआ दिखता है, और वो परमेश्वर के लिए दुख उठा रहा होता है, परमेश्वर की कलीसिया उसके द्वारा आनंदित है, परमेश्वर को वो मैसेज को लोगों के बीच में डिलीवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके मन को बदला। जिस समय की कलीसिया थी वो ऐसे लोगों के लिए विरोध नहीं करती थी, वो प्रार्थनाएं करती थी। तो आज हमें जानना जरूरी है, हम जानेंगे तभी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसका मोटिव यही है मेरा वीडियो बनाने का, वही पौलुस जो विरोध कर रहा था कलीसिया के प्रति, जो मसीह लोगों को सता रहा था, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। तो हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों के मनों को बदले। कब बदलेगा? जब हम ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे और इनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे कि इनकी परमेश्वर को लेकर और मसीह लोगों को लेकर क्या भावना है, क्या विचार है। इसलिए मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर मैंने सही कहा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर प्लीज़ आप लोगों को मेरी किसी बात से बुरा लगा होगा तो मैं आपको बुरा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपका भाई ही हूँ। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ ताकि हम सतर्क और सावधान रह सकें और परमेश्वर की आराधना, स्तुति, आनंद और भरपूरी के साथ और एक बिना डर के साथ हम कर सकें, क्योंकि सतर्क रहेंगे तब हम निडर भी हो जाएंगे, हमारे अंदर भय नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर रहेगा, डर का माहौल रहेगा, और उसी डर के अंदर हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। तो बस मैं इस वीडियो में आपको इतना ही कहना चाहता था। तो आप लोग ज़रूर ऐसे लोगों
के लिए प्रार्थनाएं करिए ताकि परमेश्वर ऐसे लोगों के मन को बदले। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार पहुंचे हो तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है, तो आप जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि और भी ये वीडियो लोगों तक रिकमेंड हो सके और लोग जान सकें। तो मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।